हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वैग्रा 100 mg टैबलेट के बारे में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस टैबलेट का इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे यूज करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसकी डोज एंड ड्यूरेशन क्या है, या फिर इसको डॉक्टर या मेडिकल कंडीशन किस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, ये सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लीजिए स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर लेता हूँ वैग्रा टैबलेट की। तो ये मार्केट में आपको 50 mg और 100 mg में अवेलेबल है, हर एक मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, कोई भी एलोपैथिक आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं विदाउट डॉक्टर आप मत यूज़ करिए, इसका साइड इफेक्ट होता है। इस टैबलेट का क्या क्या साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा भयंकर साइड इफेक्ट है, ये आपको वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसको किस मेडिकल कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है या डॉक्टर किस कंडीशन इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों को रिएक्टर डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि लिंग में तनाव की कमी, और जिन लोगों को प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, शीघ्र पतन, जो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, जो भी फिजिकली होते हैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। पर आज की डेट में देखा जाए, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं भी है वो लोग भी इस टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं, बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिक रही है टैबलेट। और जो उसको लेने वाली जो एज की मैं बात करूँ, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल तक के जो यंग जनरेशन है, जो फिजिकली कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, वो लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है यूज़ करने का, एज ए फन या उनके अपने पार्टनर को खुश करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कई लोग तो ऐसे भी देखा गया कि इसकी बहुत ज़्यादा हैबिट बना चुके हैं, इसको रेगुलर बेस पर ले रहे हैं जब भी फिजिकली हो रहे हैं, बट इसका साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसके लेने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या बेनिफिट मिलता है, इसको क्यों लेते हैं और इसको कैसे लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ कैसे लेना है, जब भी आप फिजिकली होने जा रहे हैं इसके 30 मिनट पहले आप इसको पानी या दूध के साथ ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो असर है बॉडी के अंदर 30 मिनट बाद चालू होता है। तो सबसे पहले इसको लेने के बाद आपको क्या फील होगा कि आपका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कने लगेगा और जो भी आपका ब्लड का फ्लो है बॉडी के अंदर काफ़ी तेज़ी से होने लगता है, जिस करके आपके पेनिस में जो तनाव है बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड फ्लो के कारण पेनिस में, और काफ़ी देर तक अपने पार्टनर के साथ आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को लगता है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो टैबलेट वैग्रा टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब जब फिजिकली होने जाते हैं तब तक यूज़ करते हैं इसको, पर कहीं ना कहीं अपने बॉडी को मेडिसिन पर डिपेंड कर देते हैं, जो कि आगे चल के उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि जब आप अपने बॉडी को किसी मेडिसिन पर डिपेंड कर देंगे तो कहीं ना कहीं जब भी आपको विदाउट मेडिसिन आपको परफॉर्मेंस देना रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, विदाउट मेडिसिन आप चल नहीं पाएंगे। तो क्यों ना इस मेडिसिन को कम से कम यूज़ करें जब आपको ज़रूरत हो, महीने में एक दो बार यूज़ कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक है आप रेगुलर बेस पर कंटिन्यू बेस पर इसको यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। उसका जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट जो होता है हार्ट और किडनी पर होता है, इस वजह से जिन लोगों को हार्ट या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या दवा चल रही है इस टैबलेट को मत लें, जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी मत लें, और जिन लोगों की अलग से कोई दवा चल रही है न्यूरो की या दिमाग की तो वो भी इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि इसको लेने के बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होने लगता है, हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करता है, जिस वजह से जो अगर किडनी या हार्ट वाले को जो पेशेंट रहेंगे तो ऑन द स्पॉट इनकी डेथ होने का भी चांस बना रहता है। इवन कि ऐसे नहीं है जो ज़्यादा ओल्ड एज वाले हैं, जो यंग जनरेशन है कई केस ऐसा है और न्यूज़ देख सुनने को मिला है, हम देखते हैं कि उनकी वैग्रा टैबलेट या ओवरडोज लेने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनको पता होना चाहिए कितना एज और वेट के हिसाब से कितनी डोज इनको लेना चाहिए, इसके लिए वो अपने फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई इसके रिगार्डिंग कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, आपको इसका रिप्लाई 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, एज के हो गए साइड इफेक्ट, और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ और नॉलेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।